वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे दोस्तों वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जामिनेशन जाने से पहले इस मोस्ट ट्रेडिंग क्वेश्चन एंड आंसर को जरूर देख लीजिए। मैं जो डिस्कशन करूंगा दोस्तों ये पार्ट फिफ्थ है। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है। अगर चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चलो दोस्तों देखते हैं वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उल्नार पैरालिसिस कॉजेस क्लॉ फिंगर, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। उल्नार नर्व जब पैरालाइज्ड हो जाता है तो क्लॉ फिंगर डिफॉर्मिटी होता है दोस्तों। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, दोस्तों इसको भी जरूर याद रखना है। द टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज मोस्ट एफिशिएंट इन अलाउइंग सिंपल सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल इज द क्वामस एपिथेलियम, इसको जरूर याद रखना है। ओके, फूड ड्रॉप कैसे होता है दोस्तों? डीप पेरोनियल नर्व का अगर इंजरी होता है उसके वजह से फूड ड्रॉप होगा दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। रिजल्ट एच ए रिजल्ट ऑफ इंजरी टू डीप पेरोनियल नर्व। 128 में देखेंगे दोस्तों थ्री क्रैनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होता है, इसको जरूर है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइन एसएन लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहां पे याद रखो। द टाइम टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी फॉर मी प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल इज अबाउट 7 डे। एनाटॉमिकल टर्म व्हिच इज यूज्ड और स्ट्रक्चर नियर टू द मिडिल लाइन इज मीडियल दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। वन ऑफ द की मॉलिक्यूल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी आउटपुट इज पाइरूविक एसिड दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। किडनी सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, इसको किडनी को रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोला जाता है दोस्तों, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। 133 में दोस्तों देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड द सेल्स इन द ब्लड आर रेस्पेक्टिवली, प्लाज्मा जो होता है 55% और ब्लड सेल जो होता है 45% दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। सेंसिटिव पिगमेंट लेयर ऑफ द आई इन्होंने रेटिना, ओके रेटिना, रेटिना है सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर दोस्तों। द सुचर बाय व्हिच पेरिटल बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विद द टेम्पोरल बोन, तो क्वामस सुचर दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखें। रिलैक्सेशन ऑफ द हेपाटो पैनक्रियाटिक डॉक्ट इज कॉल्ड बाय, ओके सीसीके का फुल फॉर्म क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन दोस्तों। व्हिच इज नॉट वन ऑफ द फोर प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन स्पाइस, इसको भी जरूर आप लोग याद रखें दोस्तों। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व 12 पेयर्स के बारे में बोला था, इसको भी जरूर याद रखना। द जंक्शन एट व्हिच एन इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनाप्स, ओके इसको भी जरूर याद रखिए। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी नोन एज हीमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी नोन एज हीमोलाइसिस। थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।